नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज हम आपके साथ बात करेंगे साल 2022 के राशिफल की और जानेंगे आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022, कहां आपको ध्यान देना होगा और कहां आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि के लोगों की और जानते हैं साल 2022 आपके लिए किस तरीके के परिणाम लेकर आ सकता है। जनवरी और फरवरी के महीने आपके लिए दूसरों के साथ, खासकर नए लोगों के साथ, अच्छे संबंध विकसित करने के मौके देंगे। आपको सलाह है कि इन संबंधों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। फरवरी के महीने में कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन पिछले महीनों की तुलना में बेहतर होगा और ये वो समय होगा जब आप एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आएंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यानी कि सही खान पान और व्यायाम करने पर ध्यान देना है, क्योंकि सेहत इस दौरान कमजोर रह सकती है। जून और जुलाई के महीने में कोशिश करें कि ज़्यादा तनाव ना लें और स्वयं पर काबू रखें। आपको ये भी सलाह है कि इस दौरान स्वयं को किसी खेलकूद जैसी चीज़ में व्यस्त रखें या फिर किसी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह पर घूमने जाएं, ताकि मानसिक तनाव कम रहे और आप फ्रेश महसूस करें। संवाद और ईमानदारी जैसी चीज़ें आपके द्वारा किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके लिए अच्छे महीने साबित होंगे। आपको अपनी चतुराई और कूटनीति आपके करियर को नई और सकारात्मक दिशा देने में सहायता प्रदान करेगी। इस दौरान ग्राहकों का या निवेशकों के साथ आपके संबंध आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप पदोन्नति, वेतन वृद्धि और नई पहचान प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साल के अंत में आप अपनी सफलता का लुत्फ उठाएंगे, हालांकि इस दौरान कुछ अप्रत्याशित खर्चों का बोझ भी आपको परेशान करेगा। आपको ये सलाह भी दी जाती है कि इस अवधि में आप वसायुक्त भोजन से परहेज करें, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है। आप अपनी शर्तों पर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। साल 2022 का समय आपके लिए मेहनत करने और सुनहरी अवधि का भरपूर इस्तेमाल करने का वर्ष है। इस वर्ष आपको लगभग हर क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है, जिससे जीवन में स्थिरता, सुख, संपन्नता आदि आने के योग बनेंगे। इस वर्ष आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, साथ ही आपके मित्रों से आपके संबंध और बढ़िया होंगे और वे आपका सहयोग करेंगे। धन संचय करने पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि आजीविका अच्छे से चले और आर्थिक जीवन स्थिर रहे। पिछले वर्ष की तुलना में साल 2022 आपकी किस्मत का ज़्यादा बेहतर तरीके से साथ देगा। कुल मिलाकर कहें तो यह साल सौहार्दपूर्ण रहेगा। वास्तव में शांति के सिद्धांत का पालन करते हुए आप नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपकी मेहनत सफल होगी। इस वर्ष एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो पद या कार्यभार आपको दिया गया है, आप उस अवधि में उससे असंतुष्ट हो सकते हैं। ऐसे में आपको यही सलाह है कि आप धैर्य और समझदारी के साथ फैसला लें, और इस अवधि में आर्थिक परेशानी होती है तो नौकरी छोड़ने की जगह कोई फ्रीलांस काम या साइड बिजनेस पर ध्यान दें, ताकि यह समस्या समाप्त हो जाए और आपको परेशानी भी ना हो। यदि किसी सहयोगी से या सहकर्मी से कोई परेशानी है, तो स्वयं को विवादों में दूर रखने की कोशिश करें, तभी समस्या निपट पाएगी। यह साल कुंभ राशि की महिलाओं के लिए और भी बेहतर रहेगा। इस दौरान आपको अपने रिश्ते में सुखद आश्चर्य मिलेंगे। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए साल अच्छा रहेगा। साथ ही विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको कठिन प्रयास करने होंगे। संपत्ति में निवेश करने की योजना बनाई है तो इस वर्ष बहुत सावधानी रखें, क्योंकि निवेश करते समय थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस वर्ष यह साल औसत रहेगा। आपका प्रियतम आपसे काफ़ी अशिष्टता से पेश आ सकता है, लेकिन आप इस दौरान खुद को उदास ना होने दें। अप्रैल के महीने में अपनी कोशिशों से आप रिश्ते को बेहतर ढंग से बढ़ा पाएंगे और उन्हें भी समझ पाएंगे। साथ ही आप उन्हें विनम्र और शिष्टता से बर्ताव करने में कामयाब रहेंगे। साल की शुरुआत में आपकी उनके साथ अनुकूलता या फिर कहें तो एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से अनबन हो सकती है। ऐसे में उनकी बातों को ध्यान से सुनें और शांत दिमाग रखते हुए समझाने की कोशिश करें। इस वर्ष हर एक महीने के बीतने के साथ प्रेम संबंध में मौजूद उलझनें कम होती जाएंगी और आपके प्रेम जीवन के लिहाज से सुखद और बेहतर समय साबित होगा। आपका करियर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जो कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोग हैं या सरकारी नौकरी में हैं, उनका स्थानांतरण हो सकता है।
इस समय स्वयं को शांत और संयमित रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान की परिस्थिति थोड़ी मुश्किल से भरी हो, जिससे आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएं। ऐसे में आपको यही सलाह है कि आप अपने अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बहस से दूर रहें और पेशेवर जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़ने दें। इस वर्ष आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। साल का उत्तरार्ध आपके लिए बेहतर रहने की संभावना है। आपकी मेहनत और कोशिशों को लोगों के लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो साल लगभग अच्छा रहेगा। आपकी आय अच्छी होगी लेकिन खर्च भी अच्छे होंगे, जिससे स्थिति लगभग सामान्य रहेगी। यही वजह है कि इस साल आप अपनी उम्मीद के अनुसार धन संचय कर पाने में सफल शायद ना हो पाए। हालांकि इसके बाद भी कोई काम रुकेगा नहीं और कुछ नई खरीदारी भी होगी। इस साल सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों पर अच्छा खासा धन व्यय होगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम से भी खर्च हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि उम्मीद के अनुसार परिणाम शायद प्राप्त ना हो पाए। जनवरी से मार्च का महीना उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आप इस साल जमकर मेहनत करें, क्योंकि इस वर्ष आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त हो पाएगी। संतान की बात करें तो यह साल बेहतर रहेगा। बृहस्पति की कृपा से आपकी संतान इस अवधि में काफ़ी अच्छी तरक्की करेगी। साल की शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी संतान के साथ बिताएंगे। यह वर्ष आपकी दूसरी संतान के लिए भी सकारात्मक रहेगा। वो जिस क्षेत्र में भी कार्यरत होंगे उसी में सफलता उन्हें मिलेगी। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो शादी होने में इस साल कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए अगले वर्ष के लिए इस बारे में सोचें। अप्रैल के बाद नवविवाहित कुंभ राशि के जातकों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या इस संबंध में शुभ समाचार मिल सकता है। आप अपनी संतान के साथ अच्छा वक्त बिताते नजर आएंगे। साल के अंत की अवधि संतान के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल अंत के करीब आएगा वैसे वैसे पारिवारिक जीवन की लगभग सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी और जीवन में रौनक आएगी। आप अपने जीवन साथी को ढेर सारा प्यार दें और उनका ध्यान रखें। इस साल आपको वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे जो समय के साथ साथ वैवाहिक जीवन के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह औसत रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव तो नहीं होंगे, लेकिन पहले तिमाही में आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। परिवार में कुछ विवाद हो सकते हैं जिससे परिवार में तनाव का माहौल रहेगा। आप साल 2022 की पहली तिमाही में धैर्य से काम लें और चीज़ों को नज़रअंदाज करें, यह आपको फ़ायदा देगा। वहीं साल की दूसरी तिमाही में आपको मौका मिलेगा कि समस्याओं को दूर करने में आप आगे बढ़ें। साल की अंतिम तिमाही पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी और परिवार का समर्थन आपके साथ रहेगा। यदि व्यवसाय की बात करें तो यह साल फलदायी रहेगा। आप व्यवसाय से अच्छा मुनाफा अर्जित कर पाएंगे। साथ ही वो लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जो समय के साथ व्यवसाय में विस्तार की योजना बना रहे हैं। यह अवधि उन जातकों के लिए भी सकारात्मक साबित हो सकती है जो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। साल के उत्तरार्ध में आपको कुछ समस्या हो सकती है। अगर आप किसी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर किसी प्रकार का सौदा करना चाहते हैं तो आपको यही सलाह है कि इस कार्य को साल के पहले 6 महीने में कर लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति का समर्थन जरूर लें या उन्हें अपने साथ जोड़ लें। जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं उन्हें साल के पहले महीने से ही लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, जिससे व्यवसाय को फायदा होगा। इस साल आपको अपने संपर्कों से भी मदद मिलेगी, जिससे व्यवसाय में तेजी आएगी और वृद्धि होगी। अप्रैल और जुलाई के बीच आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान किसी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए जरूरत से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। इस वर्ष मशीन या वर्कशॉप संबंधित व्यवसाय में निवेश करके आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। अपने सहकर्मियों और कामगारों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। साथ ही यदि काम से संबंधित कोई ऋण लें तो कागज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ध्यान से पढ़ लें। यदि संपत्ति और वाहन की बात करें तो यह साल लगभग अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बावजूद आय ठीक ठाक होने की वजह से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे जिन पर लगाम लगाना चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन स्थिति में सुधार भी आएगा और बृहस्पति का होने वाला गोचर जो कि मीन राशि में होगा आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। हड़बड़ी में कोई भी नया काम या कोई भी संपत्ति ना खरीदें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपके पास
इस दौरान संपत्ति खरीदने में थोड़ी सी बजट में कमी भी हो सकती है, जिसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। हालांकि अप्रैल से सितंबर तक की अवधि सकारात्मक रहेगी। यदि कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तो उससे भी आपको इस दौरान अच्छा मुनाफा मिल सकता है। धन और लाभ की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय औसत रहेगा। आप अपनी आय को लेकर थोड़ा सजग रहें और कोई भी बड़ा निवेश ना करें, क्योंकि इस वर्ष उम्मीद के अनुसार धन संचय करने में थोड़ी सी कमी हो सकती है। जहां तक लाभ की बात है तो आप इस वर्ष आपकी आमदनी स्थिर रह सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। आपको रियल एस्टेट और वित्तीय बाजार में निवेश ना करने की सलाह है, क्योंकि यह आपके लिए अनुकूल क्षेत्र नहीं होंगे। अपने खर्च की वजह से बजट के साथ समझौता करना पड़ सकता है। आकर्षक और लुभावनी व्यावसायिक परियोजना में पैसा खर्च करने से बचना बेहतर होगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव की समस्या परेशान करेगी। इसके अलावा इस वर्ष छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आती जाती रहेंगी, खास करके पाचन तंत्र से जुड़े रोग और कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। इनका नकारात्मक असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। आपको यही हमारी सलाह है कि आप इस वर्ष मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, चाहे इसके लिए कहीं घूमने जाएं, अपना ध्यान कई अलग चीज़ों में लगाएं। कुछ नई व अच्छी आदतें जैसे अच्छा खान पान, व्यायाम, कुछ अच्छा पढ़ना, घूमना, फिरना आदि अपनी दिनचर्या में शामिल करें और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। इस साल आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 11 और जो ज्योतिषीय उपाय आपको वर्ष 2022 में करने हैं उनमें शनिदेव की नियमित रूप से पूजा करें, गरीब जरूरतमंद लोगों और साधु संतों को भोजन कराएं, रविवार को भगवान भैरव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करें, अपने भोजन में उड़द की दाल, चने की दाल और काली मिर्च का उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति गरीब है या मजदूर श्रेणी का है तो उसका सम्मान करें और सक्षम हो तो उसकी यथासंभव मदद करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का राशिफल 2022। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा की तरफ से नववर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।